Jasbir Prabhjyoti, and good morning to all of you. You'll be listening to Vinaykand, and this is towards the end of Vinaykand, actually the last uh, section. And Guruji is saying that uh, we should uh, get the knowledge from the Rishi Munis, those learned people. They have the knowledge. So title is Rishi Muniyo Se Gyan Grahe. We should always be ready because the difference between us and other species is this buddhi. And buddhi should have the gyan. And based on that gyan, we make the decisions. That's how we can keep our body healthy. That's our duty. That's how we will know how to love God. Bhakti. That's how we'll know how to deal with the. Other human beings. While we are living, we are social beings. We live with our in our family. We work with other people. So, us gyan So this kind of a gyan helps in every area of our life, and we should always just try to absorb more and more gyan, and then learn how to use it also. So let's see what he is saying on this beautiful section. मंगल भवन अमंगल हि श्री राम प्रभ सुख सुखकारी नंबर फिफ्टी फोर ऋषि मुनियों से ज्ञान ग्रह योग का प्रचार हो सर्व जगत में नाथ रोग शोक से मुक्त हो सुख लगे सब हार सर्व रोग का मूल अश अशोच नियम योग का प्रथम है सोच अगर सोच को जन अपनाए मुक्ति रोगों से पा जाए प्रथम सोच तो देह का हो भीतर से तन मानव धोय जहां पर मल कुपित हो पाए और कृमियों ने वास बनाए जभी उस देह को करे सफा सब रोगों से तब मिले शफा इस बात का भी रहे विचार अश अभक्ष करे न जन आहार निषेध खाद्य से भड़ते रोग सावधान रहे उनसे लोग शट कर्म जन जबी कर पाए देह को निर्मल निज बनाए देह निर्मल जब हो हमारा रोग जगत से करे किनारा षट कर्म सभी योग के उनका हो प्रचार रोगों से तब मुक्ति हो यह सकल संसार और विनय इक मैं करूं हे मेरे भगवान ग्राहे गुण संतोष का हो सब का कल्याण जन संतोषी सुख को पावे बिन संतोष दुखी रह पावे जब संतोष का हो प्रसार दुख जगती से करे किनारा कामी लोभी भी मत उपजाए जगती को जो दुखी बनाए ऐसे जन इस लो जिनके चितना हर्ष शोक तप से अंत करण होशुद तप से जिनकी बुद्धि प्रबुद ऋषि मुनियों से ज्ञान ग्राहे शास्त्रों को वे नित पढ़ पाए तब चरणों में सबका प्यार ऐसा जगत रचो करतार ऐसे जन न जगत में जाए जो ना प्रभु चरणों को ध्याए प्रभु चरणों के भजन का सर्व हो सर्वत्र हो प्रसार यही विनय तव चरण में हे मेरे करतार ऐसे जन ना जग में जाए जो विद्यापनाय योग विहीन विद्या जो होता नाथ काल के भी वह पड़ता हाथ योगी जन ऐसे उप जाए दया सबन पर जो कर पाए जिनके चितना भेद होलेश जड चेतन पे दया हमेश सभी जीव हो उनको, उनको प्यारे। रूप ही दिखे सारे यह भि विनय मो स्विकार हो शांति जग में सब प्रकार कलह कलेश जग से हो दूर प्राप्त करे सभी सुख भरपूर रोग ग्रस्त ना हो ये जन कोई आयु दीर्घ जन गण की हो अन्न मिले सबको भर पेट अकाल की जग आए लपेट काल हो सब दुखदाई अति न भय उनकी दुखदाई प्रजा में हो परस्पर प्यार आलाद मिले सबन के द्वार सब जग में आलाद हो सब जग में हो प्यार दुखी दिखे ना जगत में कहीं कोई नर विनय सुनो अब फिर भगवान किया आयुधों ने जग परेशान, युद्ध जगत में एक अभिशाप इसे दूर करो प्रभु आप इस कारण सब को दुख भारी आन, आ, आतंकित इससे सृष्टि सारी हाहाकार जग में मच जाय युद्ध पिशाच जब मुख को भाई जग कब होगा युद्ध से मोक्ष शाश्वत शांति से हो यू का जब रहे न नाम सुख से करे सब अपने काम बाल अनाथ जब नारो पावे जब जर पावे तडपे नहीं जन क्षत विक्षत डेर में नहीं पडे हो हाथ मनुष्यो तर जो प्राणी नाथ क्यों तड़पे यहां उनके आ हाँ कब आएगा नाथ न ना, कब आएगा नाथ वह जग में काल महान युद्ध हो ना जगत में सुख से हो रहे जहान ऐसा काल ऐसा काल तभी चली आए कृपा जब तेरी पाए कृपा जग जब तेरी पाए खुद तो जगत यतन कर हारा विफल सदैव भया क्षम सारा भेजे तुमने पुरुष महान शांति का जिन दया था ज्ञान जग ने वह उपदेश बुलाया नर संहार सदा कर पाया जग पर विपदाय है भारी इसे निवारो है दुखहारी जन तार रहित सदा आतंकित युद्ध अग्नि से सदैव सशंकित सेवक पर तुम हो कर दाया युद्ध निवारो हे जगपाल तेरा परम सुंदर यह लोक युद्ध अग्नि हम दीना जोग कैसा मूर्ख भया इंसान करता भस्म खुद निज ठिकान ऐसे दृश्य को देख कर होत दुखी ममचेत प्रभु निवारो युद्ध को इसी में सब का हे विनय प्रभु में बहु कर पाया हृदय का उद्धार सुनाया क्षमा करो प्रभु मम दिढ़ाई मेरी बुद्धि की तुछताई सृष्टि के तुम रचन हो रेरी विनय न सृष्टि का प्रतीक्षण है ना उसका भाग्य तुम तो भगवान नाप तोल कर करत प्रदान धर्म स्थापन हित हो आए रामलाल का नाम धराय कल्पांतल कल्पांतल जगती वास भक्त सबन का यही विश्वास धर्म हेतु तुम जग में आए और संग कुछ से वकलाए वे भी करते तेरा काम धर्म संस्थापक हो तुम राम हानि होत जब धर्म की आओले अवतार दिव्य रूहे तब साथ में आ सब करती कार मुलख राज आए थे साथ जिस पे सदा रहा कृपाहार राम गोपाल सेवक भारी रती थी नारी लवपुर के कुछ भक्त प्यारे अमृत सर भी सेवक भारे तेरे काम में सभी सचेत जीवन अर्पा पायोग कहे किस किस भक्त का करे बखान सेवा में निज प्राण लोक भक्त का करे बखान चंद्र मोहन जिसका अभिधान चंद्र मोहन भक्त शिरोमन योग धर्म हित अर्पित तन मन उसके कार्य को हम बखाने तेरी महिमा जिमी जन जाने प्रभु की महिमा महान है बखान मी हो सोय प्रभु भक्तों के कर्म से ही जन ज्ञान विगोय निज भक्त पर है प्रभु जैसी कृपा की उस कृपा का पात्र कभी बन पाऊ में दीन इसी विनय के साथ ही, कथन करू है नाथ उस भक्ति का चरित था जो तेरे साथ श्री प्रभु जी की जय शरणम् श्री सद देव जी की जय शरणम् चंद्र मोहन था उसका नाम उपजा था वह अल अलपुर ग्राम देवी राम पिता का नाम चरती देवी मात सुजान गौड़ ब्राह्मण वंश में जाय जग में मोहन चांद थे आय बालक देव्य पिता विद्वान माता रूप देवी का जान ऐसा बना अनुपम योग जगती को मिला देव्य सुयोग बालक हार था भारी सूरत लगती सबको प्यारी रूह अल अलाही जग में आए अखिल जगत के मन को भाई मात पिता थे करते प्यार नारी नर हो सब बलिहार ऐसे देवी बा, ऐसे देवी बाल से सब जग करता प्यार बाल्यकाल में ही भय दर्शन उसे अपार खुली आंख कृष्ण को देखे बाल रूप में उसको देखे क्रीड़ा वह उस से ऐसे बहु जन्म का सखा हो जैसे बाल काल का दिव्य ध्यान बनी जीवन निधि महान सन्मुख कवि प्रकाश ले मध्य रात सूरज काल बिताया पूरव जन्म भी उसे लखाया इस विशव भया व्यतीत फिर उपनयन की की रीत पंडित शंभु दत्त यह कार्य बालक को जने उपहनाया गुरु मंत्र उसे जपना जपन सिखाया आठ वर्ष की आयु में शुभुरु प्रातः शान्त श्री प्रभु जी की जय शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम जय श्री प्रभु की